A very very warm welcome to today's session of NCERT series for class 10th. आज हम करने वाले हमारे NCERT solutions discuss for our chapter resources and development with me Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. तो चलो बच्चों हमारे शुरू करते हैं आज का session. हम क्या करेंगे आज? तो बच्चों आज हम in text questions discuss करेंगे. In text questions का मतलब ये है basically chapter के बीच में जो question answers होते हैं वो सारे जो कि given है page number 6 और 12 पे. Page number 6 and 12 शुरू करते हैं आज का session with this amazing quotation which says every problem has a solution. You just have to be creative enough to find it. देखो अगर सोल्यूशन नहीं है तो वो प्रॉब्लम नहीं है यार. वो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती जिसका सोल्यूशन नहीं बना है, क्योंकि जो आपके कंट्रोल के बाहर है वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं. दैट समथिंग दैट इज बियॉन्ड अस. तो अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन जरूर होगी. तो बी इनोवेटिव, बी क्रिएटिव, ओपन योर माइंड एंड फाइंड दैट सोल्यूशन एंड रॉक इट. अपने स्ट्रगल का दी एंड कर दो. ठीक है, इसी बात पे बैठते हैं हम हमारे सबसे पहले सवाल के साथ जो कि दिया हुआ है पेज नंबर 6 पे. फाइंड आउट रीजंस फॉर द लो प्रोपोर्शन ऑफ नेट सोन एरियाज इन दीज स्टेट्स. तो स्टेट्स का नाम देख लें. ठीक है, तो बच्चा बेसिकली इट्स नॉट श्योर बट या फाइंड आउट द रीजंस ऑफ द लो प्रोपोर्शन ऑफ नेट सोन एरिया. बेसिकली इस जगह पे क्यों जो एरिया है, नेट सोन एरिया क्या होता है पहले ये समझना होगा हमें. नेट सोन एरिया बेसिकली वो होता है जहां पे हम वन एग्रीकल्चरल ईयर में जो प्रोडक्शन करते हैं, जो हार्वेस्ट करते हैं. ठीक है, तो उस एरिया को जब आप काउंट करते हो तो वो नेट सोन एरिया होता है. और जब आप उस एरिया को भी काउंट कर लेते हो जहां पे एक साल में एक से ज्यादा हार्वेस्टिंग हो रही है, एक क्रॉप से ज्यादा, तो वो ग्रॉस एरिया में आ जाता है, ग्रॉस सोन एरिया में. ठीक है, बट एनीवेज पॉइंट बीइंग कि नेट सोन एरिया क्या होता है वो हमें समझ आ गया. तो किसी भी जगह पे नेट सोन एरिया कम क्यों हो सकता है? पॉसिबली क्योंकि वहां पे जो लैंड है वो इनफर्टाइल है, शायद वो फर्टिलिटी उसकी कम है, वहां एग्रीकल्चर नहीं कर सकते. शायद इसलिए क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट ज्यादा है, तो क्योंकि फॉरेस्ट बहुत डेंस है ज्यादा जगह नहीं बची है एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, या तो ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है. ठीक है, जिसकी वजह से वापस सेम प्रॉब्लम हो रही है, जगह नहीं बची है. इट कुड बी एनीथिंग, राइट? सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, वेरी हैवी एनुअल रेनफॉल और वेरी स्कार्स एज वेल, और इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ हिली रॉकी रीजन. ये स्कार्स भी हो सकता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहां पे भी कल्टिवेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना. चलो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर? रिन्यूएबल, बायोटेक, फ्लो, नॉन रिन्यूएबल. तो बच्चा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमने किए हुए कि किस किस तरह के रिसोर्सेज होते हैं. रिन्यूएबल हमें पता है, नॉन रिन्यूएबल हमें पता है, बायोटेक हमें पता है, फ्लो हमें पता है. तो बेसिकली अगर कोई चीज एग्जॉस्ट ना हो, रिन्यू होती रहे, ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी, वो रिन्यूएबल हो गई. नॉन रिन्यूएबल जो एग्जॉस्ट हो जाती है या बनने में बहुत समय लेती है. फ्लो जिसका फ्लो बना रहता है. बायोटेक यानी कि रिलेटेड टू लाइफ. तो अभी आप मुझे गेस करके बताओ कि कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है? काफी सिंपल है यार, मेटल है. ठीक है, आयरन ओर मेटल होता है. मेटल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी फॉर्म एंड गेट एग्जॉस्टेड. तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं ये रिसोर्सेज, तो ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. आप इनको रिसाइकल जरूर कर सकते हो. इसी बात में मैं बता दूं फटाफट आपको वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में, जिससे आपको मिलती है 100% नॉलेज एंड 100% मार्क्स. गाइज यहाँ पे आपको जितने सेशन है वो सारे के सारे लाइव मिलेंगे, और आप एक दिन में जितने चाहे उतने सेशन अटेंड कर सकते हो विथ फन एंड हाई लेवल क्विजेस. साथ ही साथ ये क्विजेस आपको देंगी बहुत ज्यादा एक्सपोजर, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं अराउंड द वर्ल्ड विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्विज एंड यू गेट टू पार्टिसिपेट विद देम. दैट इज हाउ ऑसम दीज क्विजेस आर. नॉट जस्ट दैट, अगर आपने मिस कर दिया तो आपके पास रीप्ले का ऑप्शन है, बट रीप्लेस क्या होती हैं? बोरिंग होती हैं. बट नॉट एनी मोर, बिकॉज द क्विजेस विल बी एब्सोल्यूटली लाइव. जैसे एक लाइव सेशन में आप अटेंड करते हो क्विज, वैसे ही कर पाओगे, और आपको मौका मिलेगा लीडर बोर्ड पे आने का अगर आपने एनफ पॉइंट्स स्कोर किए हैं तो.
ठीक है, उसी के साथ कंटेंट जो है यार वो डाउनलोडेबल हो जाता है, ठीक है। आप आपको उसको डाउनलोड करके आप अपने डिवाइस पे सेव कर सकते हो, और ये डिवाइस आपका फोन, लैपटॉप, पीसी कुछ भी हो सकता है। एंड द नोट्स कम्स विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर्स। हाउ अमेजिंग इज दैट? और आपके जितने डाउट्स हैं वहां पे मास्टर टीचर्स और क्लास टीचर्स दोनों ही मिलकर आपके सारे डाउट्स कर देंगे रिजोल्व। और अमेजिंग टेस्ट एंड असाइनमेंट्स भी मिलते हैं। असाइनमेंट्स चैप्टर स्पेसिफिक होगा, हर चैप्टर के साथ असाइनमेंट मिलेंगे, और मंथली टेस्ट होता है जिससे आप अपने आप को लगातार असेस कर सकते हो। अगर आपने ये चैप्टर स्पेसिफिक असाइनमेंट कर लिया और आपको लगा कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आपके लिए माइक्रो सेशन से जो कि चैप्टर स्पेसिफिक सेशंस होते हैं, यहां पे आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको लगा यार ये असाइनमेंट करने के बाद मुझे लग रहा है डिस्पाइट ऑफ अटेंडिंग द सेशन आई नीड मोर क्लैरिटी, तो आप पूरा का पूरा सेशन दोबारा अटेंड कर सकते हो, जितनी बार जितने टीचर्स के साथ चाहो अटेंड कर सकते हो। दैट्स हाउ ऑसम इट इज। और क्रैश कोर्सेज भी यार, मतलब एनटीएससी के लिए, या फिर आपका इट कुड बी फॉर एनटीएससी, इट कुड बी फॉर ओलंपियाड्स, ओलंपियाड्स के लिए हो सकते हैं। ये सारे आपके होंगे बिल्कुल फ्री, मेकिंग लेस अ लॉट मोर। आपने सिर्फ क्या करना है, लिंक में गिवन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, पिन भी है कमेंट सेक्शन में, वहां ये कोड जरूर लगा लेना फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। आपको पहले से मिल रहा होगा, उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड के साथ। अगर आप एक्चुअली कैलकुलेशन करोगे तो इट्स जस्ट गोना कॉस्ट यू 10.35 रुपीज एंड 10.13 रुपीज फॉर वन मंथ एंड एंटायर ईयर रिस्पेक्टिवली। दैट्स हाउ ऑसम इट इज। इट्स गोना कॉस्ट you less than your packet of Maggie, guys. So do not miss on this opportunity. ठीक है, ये आपके batches की starting date है 9th के लिए CBSE की, 10th में ICSE 24th and Maharashtra also 24th begin हो रहा है। 10th के लिए भी for this academic year 10th में को ही CBSE शुरू हो रहा है, और ICSE और Maharashtra जो आपका 24th में को begin हो रहा है। 10th मई को हमारा JEE और NEET का बैच भी शुरू हो रहा है फॉर द अपकमिंग एकेडमिक ईयर, तो ये जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट, नहीं डाल सकते, ठीक है? रिप्लेनिशेबल, ह्यूमन मेड, एबायोटिक, नॉन रिसाइकलेबल। यार ह्यूमन मेड होती है क्या टाइडल एनर्जी? होती है, रिप्लेनिशेबल होती है। देखो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट, विच बेसिकली मींस कि बाकी चीजों में हम उसको पुट कर सकते हैं। देखो रिप्लेनिश नहीं कर सकते यार, टाइडल एनर्जी जो है वो है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, रिप्लेनिशेबल। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? बच्चा सिंपल सी बात है, जो हेरिडिटरी की वजह से लैंड डिविजन होता जा रहा है। हमें पता है कि लोग प्रॉपर्टी के नाम पे लैंड का बंटवारा करते जा रहे हैं। लैंड विच वॉज फर्स्ट डिवाइडेड इन टू गेट्स डिवाइडेड इन फोर गेट्स डिवाइडेड इन एट, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होता ही जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत डेंस है। ठीक है, पॉपुलेशन इज वेरी डेंस, बट हार्वेस्ट फुल चलता रहता है, कल्टीवेशन फुल चलता रहता है। उसकी वजह से क्या होगा, लैंड लिमिटेड है, कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर लैंड पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग और ओवर इरिगेशन। बच्चा द करेक्ट आंसर वुड बी ओवर इरिगेशन, एंड ऑल्सो आई थिंक इंटेंसिव कल्टीवेशन इज ऑल्सो अ कॉज फॉर यू नो व्हाट यू से डिग्रेडेशन इन पंजाब। लेकिन ऑफकोर्स बिकॉज इतनी ज्यादा कल्टिवेशन हो रही है वहां, कॉन्स्टेंटली ओवर इरीगेशन हो रहा है, तो ये दोनों ही रीजन हो सकते हैं। लेकिन आप इसके साथ जाओगे, ओवर इरीगेशन इज गोइंग टू बी द मेन कॉज। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टिस? पंजाब, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। बच्चों ये बहुत सिंपल सी बात है, उत्तराखंड हो जाएगा, क्योंकि आपकी टेरेस कल्टीवेशन के लिए वैली टाइप होने ही बहुत जरूरी है। हिल्स पे ही मोस्टली हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वहां पे स्लोप होता है, हमें स्लोप पे ही कट डाउन करने की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की स्पीड को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड? एक सिंपल सी बात है, याद रखना डेक्कन प्लेटो, हमेशा याद रखना जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। तो बच्चे कॉटन, ब्लैक सॉइल, महाराष्ट्र, गुजरात,
जवाब आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, ब्लैक कॉटन सॉइल की वजह से, जिसका हब है महाराष्ट्र एंड गुजरात, राइट। तो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, पिंड भी है कमेंट सेक्शन में, कोड आपको पता है फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, एंड आई वुड लव टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लाइव सेशन ऑन द वेव प्लेटफॉर्म वेदांतु के साथ, वहां पे हम बात कर पाएंगे एक दूसरे से, तो जरूर कर लेना। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब करोगे तभी अगला अपडेट मिलेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, एंड गाइज डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द वीडियो, एंड बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट इवनिंग।